How are you, man? Yeah, YouTube. Yeah. Hey, bro. तो गाइस कल रात का स्कैम तो मैं आपको बताना ही भूल गया एक्चुअली. स्कैम ये हुआ. मार्वल वालों ने भेजा है सस्ता स्पाइडरमैन जो कि सिंगर बन गया है अभी. सो हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में. उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे. और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं फुकेत लास्ट व्लॉग में आ चुका हूँ बस से, और बहुत ज्यादा हेक्टिक मेरी जर्नी रही थी. तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, शावर ले लिया है. अभी मैं हॉस्टल में रुका हूँ पीछे, अभी कोई बचा नहीं है एक्चुअली, यहाँ सब लोग जा चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा हेडेक था तो मैं थोड़ा लंबी नींद ले लिया. गाइज अभी जो बाहर का वेदर है वो थोड़ा सा, अभी धूप है तो ज्यादा धूप में, क्योंकि दोपहर का वक्त है तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ. अभी थोड़ा धूप हल्का होगा क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है वो अभी 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद है ना, थोड़ा बारिश वाला मौसम हो जाएगा, तब निकलेंगे आराम से. एंड आज हम घूमेंगे इस व्लॉग में फुकेत, और जो जितना नियर बाई प्लेसेस हैं वो मैं आज दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मार्केट हो गया या फिर आपका जो बीच है पतोंग बीच, मैं पतोंग बीच के पास में रुका हूँ. तो चलेंगे बीच वगैरह भी, बहुत दिन से देखा नहीं, नेचर वाली वाइब आई नहीं अभी तक, पहाड़ों में घूमे हैं तो अभी फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हम लोग बीच वगैरह को और इस तरह से जो नेचर से एकदम हरियाली का मजा भी ले सकेंगे. तो गाइस उसके बाद हम चलेंगे, बस 15-20 मिनट का वेट और करते हैं और फिर निकलेंगे आराम से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के बाद चलेंगे. तो गाइस अभी चलते हैं और वक्त हो गया 3 एंड निकलते हैं यहाँ से. अब देखते हैं, पहले तो सबसे पहले मुझे हॉस्टल का पे करना है बिकॉज मेरा अभी सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है. तो पे करने के बाद सबसे पहले मैं देखूंगा कल के जो मेरा डे टूर प्लान रहेगा फिफी आईलैंड का, तो उसका मुझे टिकट बुक करना पड़ेगा. एंड वो टिकट बुक करके फिर घूमते हैं अपना आपका ये फुकेत का लोकल स्ट्रीट, एंड ट्राई करेंगे आज शाम में बांग्ला स्ट्रीट जाने का जो कि यहाँ की नाइट लाइफ के लिए फेमस है. तो बने रहिए इस व्लॉग में. तो गाइस अभी बस मैंने पे कर दिया है 3 दिन का. एंड नो आई डोंट हैव चेंज. सो कैन यू कम एंड यू 50 आई डोंट हैव नाउ. ओके जस्ट अ सेकंड. ओके लेटर आई विल टेक इट. ओके ठीक है. तो अभी यहाँ का जो हॉस्टल का है वो हो चुका है एंड चलते हैं अभी भाई बीच की तरफ. एंड ये अभी दोस्त बने हैं हॉस्टल में, इनके साथ जाने वाले हैं. तो ऐसे ही है. ए ब्रदर, हाउ आर यू मैन? या यूट्यूब. ए ब्रो, अभी वेदर थोड़ा अच्छा हो गया है एंड अभी यहाँ पे थोड़ा माहौल फ्रेंडली है, तो मतलब चल रहे हैं. और हमारे दोस्त हॉस्टल में ही मतलब रूममेट हैं, तो चल रहे हैं अभी यहाँ से. पतोंग भी ज़्यादा दूर है नहीं, तो निकल रहे हैं, देखते हैं. अभी मैं पहले सबसे पहले एक्चुअली मुझे 7-Eleven से पानी लेना है क्योंकि बॉडी थोड़ा डिहाइड्रेट हो रही है एंड पानी अभी पिया नहीं इतना ज़्यादा. तो अभी एनर्जी वाले ब्लॉग आएंगे फॉर श्योर, बिकॉज वहाँ पे बैंकॉक में सिटी में ऐसा कुछ था नहीं घूमने के लिए, दिखाने के लिए. वहाँ मैं कुछ इतना बता भी नहीं पाया ना कुछ हो कर पाया, बट हाँ यहाँ से आपसे कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा. और डे बाय डे मैं ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने का अपना व्लॉगिंग का. वेदर देख लो भाई क्या मतलब अलग ही, क्योंकि मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था, ज़्यादा धूप में घूमना शायद अच्छा तो नहीं था, बट अभी वेदर अच्छा भी हो गया है तो चलते हैं और पहले पानी पीता हूँ भाई. तो भाई बैंकॉक में सबसे ज़्यादा मतलब चीपेस्ट एंड हर एक 150 मीटर की दूरी पर ये 7-Eleven का जो है स्टोर होता है. एंड यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ग्रोसरी वगैरह जो भी है, इवन आपकी पेमेंट वगैरह कहीं करनी है वो भी मिल हो जाएगी. वाटर बॉटल लेते हैं अंदर से. फुल जा सिमसिम. तो इधर है बॉटल, क्योंकि अभी थोड़ा सा पता चल गया है ना कि पानी का हर मतलब हर एक स्टोर में सेम. ठंडा तो मैं पीऊँगा नहीं, बाकी ये काफ़ी है मेरे लिए फिलहाल. तो ये तो मैं एकदम से ख़त्म कर भी दूंगा. तो भाई साथ टेंगी की टेंगे याद आ रहे हैं अभी बात के, तो मैं पेमेंट कर. दोस्तों अभी जा रहे हैं हम लोग बीच एंड वाटर बॉटल लेके. भाई इतना ख़त्म भी कर लिया बाकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना डिहाइड्रेट हो चुका था वहाँ हॉस्टल में बैठे बैठे. तो अभी सारे काम सही चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है. बाकी बीच साइड इधर है, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ से 400 मीटर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस से कवर कर लेंगे आराम से. और अच्छा लग रहा है, मतलब फाइनली फ्रेश एयर मिल रहा है. एक और ये रहा 7-Eleven, मतलब पास पास में ही पड़ते हैं. तो अभी मिलते हैं मैं आपको बीच पर. गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं पतोंग बीच एंड ये थोड़ा सा बार वगैरह या जो भी मतलब थोड़ा पीने के लिए आपको. एंड सामने आप देख पा रहे होंगे पतोंग बीच है, तो कुछ ज़्यादा दूर चले नहीं, सिर्फ 10 मिनट शायद से चले होंगे. और
स्वेटिंग होना शुरू हो गई है, बट इट्स ओके। वेदर ऐसा है कि समटाइम मतलब क्लाउडी है एंड समटाइम आपका सनी है, तो इट्स फाइन। क्योंकि दोपहर के अभी 3:30 बजे हैं, क्योंकि निकलना भी ज़रूरी था, सुबह से इसी वक्त का वेट कर रहे थे। पतोंग बीच गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी बीच पर, पतोंग बीच ये है। और भाई मतलब थोड़ा क्लाउडी वगैरह, बहुत अच्छा मतलब एक जो लैंडस्केप दिख रहा है। बाकी अभी थोड़ा पास में चलते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम पतोंग बीच पर, और यहाँ का जो व्यू है वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाइस अगर अंदर जाना है तो चप्पल हाथ में इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि ये चिपक रही है बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि वो अपने पैरों पर ही चीटें आ रही हैं। तो अभी ठीक है, अभी स्लीपर्स हाथ में ले लिया है तो मज़ा तो आ रहा है भाई, क्योंकि काफ़ी दिन बाद है ना पानी के बीच में आए हैं। लास्ट मेरा शायद से मैं गया था आपका गोवा लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर गोवा था फेब में। अभी बीच पे थोड़ा फन कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद है ना बीच वाला माहौल बना है। तो अंदर इसलिए नहीं जा रहा यार, इतना अच्छा साफ सुथरा तो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बाहर ही हूँ। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ बीच से, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप है अभी, और मैं अभी इसलिए नहीं गया नहाने क्योंकि यार कपड़े मतलब ये सारी चीज़ें भीग जाएंगी और पानी इतना कुछ साफ है नहीं एक्चुअली। तो इसलिए मैं फ़िलहाल अभी यहाँ आ गया हूँ, और जो मेरी दोस्त थी वो अपना नहाने लगी, मैंने कहा ठीक है यार तुम नहा लो। तो अभी देखता हूँ मैं, तब तक के लिए कल के लिए फिर आइलैंड का टिकट बुक करने का देखते हैं, और देखते हैं कितने में होता है एक्चुअली। गाइस यहीं पे आपको जो ये आपका स्कूटर वगैरह है ये आप रेंट कर सकते हैं, 150 baht लगता है अराउंड आपका, 300-350 rupees, और पूरे दिन के लिए आपको मिल जाता है। सेम वही प्रोसेस है जो गोवा में होता है, लाइक पूरे दिन के लिए ले लो और एंड पेट्रोल आपका रहेगा। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत जगह पार्किंग जो है वो मतलब नहीं होती, और जो गवर्नमेंट पार्किंग होती है अगर वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी तो आपके पास सीधा सीधा 5000 baht का चालान आ जाता है सीधा सीधा। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि अगर ले रहे हो तो प्लीज़ अगर देख के लेना। बाकी मैं बस वही देख रहा हूँ कि मुझे कल के लिए डे टूर के लिए अपना कहाँ से मतलब अच्छा पैकेज मिल जाए, वो मैं देख रहा हूँ और उसी के लिए मैं निकला हूँ फिलहाल अभी। दोस्तों अभी एक जगह मिली है, देखते हैं। बाकी मैं फिफी आइलैंड के लिए बात करता हूँ। फिफी आइलैंड तो भाई पहले से पूछा, उसने बोला 2000 baht, जो कि इतना तो बिल्कुल नहीं होता। बाकी देखते हैं, वो थोड़ा सा बात करने का ट्राई करते हैं। गाइस अभी एक जगह और रुका हूँ मैं, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बार्गेनिंग कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी बन रही है। बाकी वो अभी फ़ोन पे कन्फर्मेशन करके बताएंगे कि अगर जितने में मैंने बोला है अगर हो गया तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से मैं बुक कर रहा हूँ एक्चुअली। तो जस्ट वेट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस अभी मतलब फ़िलहाल तो मतलब मैंने बुक कर लिया है, एंड यहाँ से मुझे 1500 में मिला है एक्चुअली। एक 1300 में था, एक 1500 में था, तो मैंने 1500 वाला किया क्योंकि उसमें है ना थोड़ा पिक्चर वगैरह का और थोड़ा सा मतलब ऑप्शन ज़्यादा है, आपका लंच वगैरह इंक्लूडेड है, एंड इसमें लेके आपका मतलब पिकअप से एंड आपका हॉस्टल तक छोड़ने का ये पूरा मतलब इनका रहता है, एंड वही मैंने बुक किया फ़िलहाल अभी। तो अभी उसकी है ना मतलब वो चल रही है, बुकिंग कर रहा हूँ मैं कल मॉर्निंग के लिए, क्योंकि कल मैं सोच रहा हूँ कि फिफी का कर लेते हैं आराम से। दोस्तों यहाँ पर जो है फिफी आइलैंड का अगर आप टूर बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ मतलब 2-4 जगह नहीं, 8-10 जगह ट्राई कर लेना, क्योंकि हर कोई अलग अलग पैकेज बता रहा है, कोई 1400 बता रहा है, कोई 1300 बता रहा है, एंड हो सकता है आपको चीप में मिल जाए। तो 1500 भी मेरा ठीक है क्योंकि उसमें पिक्चर वगैरह थी जो मुझे करानी थी तो वो इंक्लूडेड है। तो डिपेंड करता है कि आप सारी चीज़ें उसमें पूछ लीजिए, और लंच वगैरह उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए क्योंकि कुछ में है ना सिर्फ ब्रेकफास्ट है स्नैक्स में, और कुछ में लंच वगैरह जो आपको प्रॉपर एकदम मिलेगा खाने के लिए तो वो सब रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बुक कर रहे हैं तो फिफी आइलैंड के लिए पहले ही देख लीजिए, बात कीजिए उनसे। तो गाइस अभी मैं बुक कर चुका हूँ अपनी फिफी आइलैंड का, और ये रहा तो कल के लिए अब बुकिंग हो गई है। तो मेरा एक काम तो हो गया है, निपट गया है, मतलब जो मैं सोच रहा था कि यार पीपी का मतलब कल कर लेंगे। प्राइस टिकट वगैरह बुक करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और ये देखने शायद ये शॉपिंग मॉल है, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। और स्ट्रीट बहुत ज़्यादा है यहाँ की, अभी बिजी है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी हम जा रहे हैं नीचे की साइड, तो 7-Eleven हर जगह आपको मिलेगा, और मैं भी हर जगह आपको मिलने वाला हूँ। भाई ये ना मतलब 70% ऑफ दिखा के ना वापस से मुझे शॉपिंग कराने की कोशिश करते हुए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करने वाला बिकॉज़ बैंकॉक में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी मेरे पास काफ़ी स्टफ है जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया, तो इतना तो काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, क्या करूँगा इतना ज़्यादा रख के, अभी कुछ यूज़ ही नहीं किया एक्चुअली, तो शॉपिंग आज मैं अवॉइड ही करूँगा।
तो गाइस अभी मॉल में क्या करें क्योंकि शॉपिंग तो मुझे करनी है नहीं एक्चुअली। तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक एप्पल स्टोर है, तो एक्चुअली देख लेते हैं कि भैया जो आईफोन 15 प्रो मैक्स का रेट क्या है। यहाँ पर रेट का मालूम करके मैं आपको बताता हूँ। और आईफोन का स्टोर यहीं पे है, मैकबुक 3 भी है, तो देख लेते हैं थोड़ा मैकबुक का रेट भी। खर्चा तो नहीं करना लेकिन देख तो सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं ना खर्चे की। भाई अगर इंडिया के रेट से कंपेयर करें तो काफ़ी महंगा है ये। फ़िलहाल तो जो रेट है वो है ये, और जिसका राउंड बनता है वो बन रहा है आपका 2 लाख समथिंग। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब महंगा है कंपेयर टू इंडियन। तो बेहतर है भैया इंडिया से ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी नहीं लूँगा, पहले थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, थोड़ा खर्चा तब होगा जब इनकम आना अच्छे से शुरू हो जाएगी। बाकी अभी चलता हूँ मैं बाहर और देखते हैं, क्योंकि मेरी दोस्त शायद पता नहीं कहाँ, यार हो सकता है वो हॉस्टल वापस चली गई हो। तो गाइस कल रात का स्कैम तो मैं आपको बताना ही भूल गया एक्चुअली। स्कैम ये था कि जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था, तो उसने क्या किया, उसने मुझे मेरे हॉस्टल तक तो छोड़ दिया था। उसके बाद जो अमाउंट बैठ रहा था 390 बाद बैठ रहा था, मतलब 390, और उसमें मैंने 1000 बाद का उसको पैसा दिया और उसको मुझे चेंज देना था 610। बट ऐसा हुआ कि वो लेकर के, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, तो लेके चला गया, मतलब पैसे भाग गया भाई। यहाँ से थोड़ा इसलिए केयरफुल रहना कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं या फिर इस तरह के लोग हैं भाई, थोड़ा केयरफुल रहना। और ख़ास तौर से अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से बच के रहना। बाकी उसके बाद मैंने क्या किया, वो चला गया था। उसके बाद मैंने जो एप्लीकेशन से अपनी टैक्सी बुक की थी वहाँ कॉन्टेक्ट किया, उनको कॉल किया, तो उन्होंने तब जाके उसको बोला और फिर मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर दिया। कॉन्टेक्ट नंबर मिलने के बाद भी बंदा आने के लिए तैयार नहीं। मैंने बोल दिया भैया सीधा कल जा रहा हूँ कंप्लेन करने पुलिस में और इस तरह से। तो उसके बाद वो वहाँ से मतलब आया रात के 12:30 बजे। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो 12:30 बजे वो आया, तब भी उसने ना 600 नहीं दिया, तब भी उसने मुझे 500 दिया, बोला मेरा आने का भी तो लगेगा इस पर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह के स्कैम वगैरह चलते हैं। तो भाई इन चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल रहना अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। Hours later. Hey guys, welcome back. And अभी शाम हो गई है, रात हो गई है, तो हम चल दिए हैं वापस से थोड़ा सा, क्योंकि अभी ब्लॉग का एंड हुआ नहीं था एक्चुअली। तो रात की मतलब थोड़ा सा नाइट लाइफ के लिए निकल गए हैं। एंड मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं जेम्स, जो हॉस्टल में मतलब हे जेम्स, हाउ आर यू मैन? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रदर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा ऐसे ही मतलब घूमने और चिल करने, थोड़ा डिनर वगैरह भी कर लेंगे, तो चल के दिखाते हैं आपको भी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बांग्ला रोड ऐसे ही वॉक करते हुए, और ये मेरे जेम्स दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं। तो अभी जाके मज़ा आने लगा है यहाँ पर, और मतलब जब किसी से बात होती है तभी जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं बांग्ला स्ट्रीट, ऑलमोस्ट मतलब 2 से 3 मिनट का रास्ता रह गया है, और नाइट लाइफ में मतलब काफ़ी क्राउड है अभी। बाकी वहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा वैसे बोल नहीं पाऊँगा, तो वहाँ पे सब रिकॉर्ड ही करने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लाउडली साउंड बजेंगे और ये सारी चीज़ें। तो निकल रहे हैं अभी आगे की तरफ, और यहाँ से ये आपका बांग्ला स्ट्रीट स्टार्ट होता है, जो मैं आज दोपहर में भी आया था। और अभी चलते हैं अंदर, यहाँ पे मतलब बाइक और कार वगैरह अलाउ नहीं है, आप है ना वॉकिंग डिस्टेंस से जा सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलते हैं ब्रो। मार्वल वालों ने भेजा है सस्ता स्पाइडरमैन, जो कि सिंगर बन गया है अभी। पहले था कि वो मतलब स्पाइडरमैन कुछ अलग करता था, अभी सिंगर बन चुका है सस्ता स्पाइडरमैन। तो गाइस ये थी बांग्ला स्ट्रीट फुकेत की, और भाई यहाँ पे कुछ ऐसा ही माहौल रहता है रात में, मतलब हर रोज का सेम ही है। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ फीफी आइलैंड।
और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। कर दूँ आपको व्लॉग ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।